हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय टेक्निकल रेड्डी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में यही चार्जर का रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग कर दिया था। इस वीडियो में ये चार्जर मोबाइल कनेक्ट करके डिटेल्स दिए वो करेक्ट काम करेगा या नहीं बोल के इसमें चेक करेंगे। पढ़ने के लिए वीडियो फ्रीज कर दिया हूँ 3 सेकेंड के लिए, आप पढ़ सकते हैं डिटेल्स, ठीक है। और मेरे सब्सक्राइबर को और न्यू सब्सक्राइबर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी का बात है। आप मेरे चैनल में नए रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये वीडियो करने में मेहनत और पैसा दोनों लगेगा। व्यूवर्स की उम्मीद में और सब्सक्राइबर की उम्मीद में मैं वीडियो करते डालते जा रहा हूँ मेरे चैनल पर, ठीक है। फिर देर नहीं करने का, ये सॉकेट के थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे कार में, वो ये चार्जर लगाने के लिए दोनों हाथ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि दबा दिया तो अंदर जा रहा है। चार्जर प्लग इन कर दिया हूँ और केबल भी कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, डुप्लिकेट केबल यूज़ मत करिए, ओरिजिनल चार्जर की केबल यूज़ करिए, क्योंकि लोकल चार्जिंग केबल यूज़ मत करिए, आपको रिजल्ट करेक्ट नहीं मिलेगा। ओरिजिनल चार्जिंग केबल यूज़ करिए। ये मेरा रियलमी VOOC चार्जिंग सपोर्ट का केबल है ये। चलो फिर इसको प्लग इन करेंगे। आप देख सकते हैं कनेक्ट हो गया। ब्लू का मतलब नॉर्मल, ऑरेंज का मतलब फूक चार्ज सपोर्टिंग। किनके पास वो रियलमी मोबाइल से उसको मालूम पड़ेगा स्पार्ट चार्जिंग कौन सा होता और स्लो चार्जिंग कौन सा चार्जर होता बोल के। आप देख सकते हैं इधर 67% के आगे 1, 2, 3, 4 माइक्रो सेकंड्स क्या रहता ना, सॉरी माइक्रो परसेंटेज क्या है ना, वो चल रहा है। एक सेकंड, देख सकते हैं सेम एज इट यूज़ घर में एसी चार्जर रहेगा ना वैसा ही इधर काम कर रहा है। इसमें हम सॉकेट में लगाते हैं ना घर में, सेम एज इट यूज़ वही स्पीड में चार्जिंग हो रहा। ये था फ्रेंड्स, ये था टुडाओ कंपनी का चार्जिंग का रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।